डॉक्टर साहब, जब किसी कौम पर अदाब आता है तो क्या उसमें आम लोग भी मुब्तला होते हैं या नहीं? इस बारे में हदीसे मुबारक से आप जवाब बता फरमाएं अगर है तो। यार, एक तो तुम हर मसले में ना, एक तो मुझसे हदीस का जब पूछते हो ना, तो हर मसले पर हदीस नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं अपने एक बात है, हमने कुछ मामला किए हैं तो होता है, लेकिन हर बात तो तुम हदीस पूछते हो, तो हर वक्त थोड़ी हदीस हमें याद होती। लेकिन मैं बताऊं, इस बारे में हदीस है और वो है सही बुखारी के अंदर किताबुल फितन में। ठीक है, हदीस के अल्फाज ये हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है तो इस वक्त अजाब उस कौम के हर शख्स तक पहुंचता है, लेकिन फिर वो अपने अपने आमाल के मुताबिक उठाए जाते हैं। लेकिन फिर वो अपने अपने आमाल के मुताबिक उठाए जाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है तो इस वक्त अजाब उस कौम के हर शख्स तक पहुंचता है, लेकिन फिर वो अपने अपने आमाल के मुताबिक उठाए जाते हैं। ठीक है ना? तो मसला यह है कि इस हदीस का मतलब यह है कि भाई देखें, अजाब जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से आता है, अल्लाह रहम फरमाए, और हम भी तरह तरह के अजाबों में मुब्तला हैं, चाहे वो जुल्म का हो, मुसीबत का हो, परेशानियों के हैं, या आप कह लीजिए कि महंगाई का है मामला, ठीक है ना, या बीच में कोरोना वायरस था, मुख्तलिफ तरीके के होते हैं भाई, अल्लाह रहम फरमाए, हमारे आमाल ही ऐसे हैं, तो अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट जो अजाब है वो कई तरह के होते हैं। जरूरी नहीं है कि कौम ही सफ़े हस्ती से मिटा दी जाए, ऐसा मामला लाजमी नहीं है। ठीक है ना? तो जो भी अल्लाह की तरफ से अजाब आता है, वो कोई शख्स उस बुरे काम को किया हो या ना किया हो, सब तक ये अजाब तो बहरहाल पहुंचता है, क्योंकि पूरी पूरी कौम ही उस अजाब में जो है मुब्तला हो जाती है, और उसके बाद लोग अपनी नियतों के मुताबिक उठाए जाएंगे, आमाल के मुताबिक उनका फैसला होगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में जाएगा। बेसिकली इस हदीस का मतलब ये है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो उम्मत पे से अजाब उठा ले। ठीक है ना? हमारे पर जो भी किसी भी किस्म का हम पे अजाब है, या हमारे शहर पे है, या हमारी बस्ती पे है, या हम में से हर एक शख्स के ऊपर है, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें से निजात अता फरमाए, और हमें ऐसे अमाल से बचना भी चाहिए कि हम अजाब में मुब्तला ना किए जाए। तो हमें पहले अपने अमाल की फिक्र ज़्यादा करनी चाहिए। शुक्रिया।